दोस्तों आपने सुना होगा कि फेसबुक अकाउंट है वो अक्सर हैकर्स होते हैं, वो फेसबुक अकाउंट को हैक कर लेते हैं और इससे हमें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कहीं हमारा भी जो फेसबुक अकाउंट है वो हैक तो नहीं है, और साथ में आपको मैं बताने वाला हूँ कि इसकी सुरक्षा को थोड़ा और बढ़ाना चाहें तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और एक बहुत ही शानदार ट्रिक है उसके द्वारा आप अपने फेसबुक अकाउंट को सुरक्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं आपका दोस्त के आर भाटिया और आप देख रहे हैं भाटिया जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आपको यहां पर फेसबुक एप्लीकेशन जो दिखाई दे रही है उसी पे आपको टाइप कर लेना है। आप अपने मोबाइल में इसको कर सकते हैं। तो यहां पर ये आपको ये मेरा होम पेज आपको यहाँ पर फेसबुक का दिखाई दे रहा है, और इसके आगे आपको एक कोने में यहाँ पर थ्री डॉट थ्री लाइंस दिखाई दे रही है, डॉट नहीं है सॉरी। तो आप इन थ्री लाइंस पे टैप कर लीजिए। यहाँ पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलने वाला है, वो कौन सा ऑप्शन है वो देख लीजिए, सेटिंग एंड प्राइवेसी, और उसके बाद सेटिंग, और यहाँ पर प्राइवेसी शॉर्टकट एक ऑप्शन मिल रहा है, तो आप इसको ओपन कर लीजिए। जैसे प्राइवेसी शॉर्टकट को मैं यहां से टैप कर लेता हूं। प्राइवेसी शॉर्टकट में आप यहां पर टैप करने के बाद आपको यहां थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, या नीचे स्क्रॉल करने के बाद सी योर एक्टिविटी लॉग, यहां पर जो थ्री लाइंस दिखाई दे रही है और सामने यहां पर सी योर एक्टिविटी लॉग, इस पर आप टैप कर लीजिए। यहां पर टैप करने के बाद जितनी भी आपने पिछले दिनों में एक्टिविटी की है वो सब यहाँ पर आपको दिखा देगा। और अगर आपको लगता है कि ये एक्टिविटी आपने ही की है, जैसे मैंने यहाँ पर किसी को ऐड किया है, मैंने कोई पोस्ट साझा की है और किसी को लाइक किया है, किसी को कमेंट किया है, ये सभी काम मैंने ही किए हैं खुद ने, तो ये फेसबुक अकाउंट है वो हैक नहीं है। अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ काम आपने किए हैं और कुछ आपने नहीं किए हैं तो थोड़ा आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका फेसबुक अकाउंट कोई और भी चला रहा है तो आपका फेसबुक अकाउंट है वो हैक हो सकता है। तो आप यहाँ पर अपने पासवर्ड वगैरह बदल सकते हैं। तो दोस्तों एक आपको मैंने बताया था कि इसकी थोड़ी सुरक्षा है वो बढ़ाएं, तो वो कैसे बढ़ानी है, इसके लिए आपको यहाँ पर एक सेटिंग करनी है, बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग है। और सेटिंग क्या है मैं उसके बारे में पहले ही बता देता हूँ। जैसे अगर आप अपने फ़ोन में आप अपना फेसबुक अकाउंट है वो लॉगिन करोगे तो आपके पास यहाँ पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जिसको हम OTP बोलते हैं। वो OTP आपके नंबर पे आएगा और वो OTP आप लगाओगे तभी वो आपका फेसबुक अकाउंट है वो ओपन होगा। अगर आप वो OTP नहीं लगाओगे तो वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो वो कैसे हमें स्टार्ट करना है, यूज टू फैक्टर, ये जो आपको मोबाइल वाला आइकन दिखाई दे रहा है इस पर आप टैप कर लीजिए। यहाँ पर टैप करने के बाद आपके सामने ये टेक्स्ट मैसेज SMS जो ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप यहाँ से कंटिन्यू नीचे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पर आप टैप कर लीजिए। सेलेक्ट योर फ़ोन नंबर, ये वो फ़ोन नंबर हमें सेलेक्ट करना है जिस पे हमें OTP मिलेगा। तो यहाँ पर आप अपना खुद का फ़ोन नंबर या किसी दोस्त का भी कर सकते हैं अगर वो हमेशा आपके साथ अवेलेबल रहे तो। तो यहाँ पर ऐड न्यू फ़ोन नंबर पे मैं टैप कर लेता हूँ और यहाँ कंटिन्यू कर लेता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर दोस्तों जैसे इंडिया का है तो +91, यहाँ से आप चेंज कोड भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं बाहर से हैं तो यहाँ पर अपना कोड है वो अलग दूसरी कंट्री का लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डायल कर देता हूँ 9। ये मैंने यहाँ से अपने नंबर है वो जो है यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। अब मुझे मैं जैसे भी फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करूंगा तो मुझे इन नंबर्स पे एक OTP मिलेगा, और वो OTP मैं वहाँ पर लगाऊंगा तभी मेरा ओपन होने वाला है। ये तब तक नहीं ओपन होगा जब तक मैं OTP नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ से आपको कन्फर्म कर देना है। तो ये एक इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग है। यहाँ पर दोस्तों अपने पासवर्ड हैं वो सेट करने हैं, जो आपके फेसबुक के पासवर्ड हैं वो आप यहां पर लगा सकते हैं। इंटर पासवर्ड में मैंने अपने फेसबुक के पासवर्ड है वो यहां पर सेट कर दिए हैं। तो अभी ये टू मैंने अपने मोबाइल में सेट कर लिया है। अब मैं जब भी यहां पर लॉगिन करूंगा तो मुझे
मेरे नंबर पे ओटीपी मिलेगा। तो आप भी इस सेटिंग को ऑन करके अपने फेसबुक अकाउंट की सुरक्षा को वो डबल कर सकते हैं।